तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? फिर से आ गए थे आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वेलकम टू इंडिया। और गाइस, बहुत सारे बंदों को जो है GTA 5 इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि गाइस कुछ DLL फाइल मिसिंग बताता है, कुछ ऐसा एरर बताता है कि भाई आप बोलते हो भाई ये कौन सा एरर है, ये प्रोग्राम फाइल एरर होते हैं जिसको आप जो है GTA 5 अगर आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब क्रैक वर्जन अगर आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर पेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, तो ये एरर किसी में भी आ सकता है। और बहुत से एरर आते हैं जिसकी वजह से जो है आपका GTA 5 इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम देते हैं, यानी कि DLL फाइल एरर आता है, एप्लीकेशन एरर आता है, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग एरर आता है, कोई फाइल आप मिसिंग करते हो तो उसका एरर आता है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताऊँगा जिसकी मदद से आप जो है GTA 5 को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट मिसिंग फाइल और विदाउट मिसिंग DLL फाइल, ठीक है। तो गाइस ये मेन तरीका होता है जिसकी मदद से गाइस मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप जो है GTA 5 को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। उसके लिए गाइस 2-3 मैं आपको स्टेप बताऊँगा, वो फॉलो करना है आपको 101% गाइस गारंटीड आपका जो है GTA 5 जो है ओपन रन करने लगेगा, आराम से चलने लगेगा मक्खन तरीके से, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आप कुछ फाइल उसकी मिसिंग कर दे तो वो फाइल भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और यहाँ पर बहुत से फाइल मिसिंग फाइल होती है, वो भी मैं आप इसकी वीडियो में आपको सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो गाइस, 20,000 सब्सक्राइबर के हम जो है बहुत क्लोज है गाइस, तो कर दो यार, ये वेलकम टेक इंडिया चैनल है गाइस, उसके आगे जो रेड बटन है उसको वाइट कर दो प्लीज़ यार, कर दो यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के बाद में भी यार ऐसा करते हो तो भाई मज़ा नहीं आता है, दिल से बुरा लगता है भाई। तो भाई सब्सक्राइब कर ही देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को। और एनी टाइम कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप मेरे को पर्सनल में बता सकते हो कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है GTA 5 इंस्टॉल करने में। ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इससे आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है, मैं जहाँ तक हो सके ना भाई सामने वाले का काम ईजी करने में मदद करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स ये गाइस, यहाँ पर जो है आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपको रन देख लेना, पहले रन मतलब कोई भी आप यहाँ पर रन APK आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर सर्च बार में रन सर्च करेंगे तो रन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या डालना है गाइस, यहाँ पर आपको जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया देख सकते हैं आप, यहाँ पर टैंप लिखा है और उसके आजू बाजू कॉमन मार्क यहाँ पर मैंने डाल रखी है, ठीक है। ये आपको ऐसे सर्च करना है जैसे मैं यहाँ पर रन पे क्लिक जैसे मैंने डाला है वैसे ही आपको डाल के ओके कर देना है, सिंपल है, ओके कर दिए। तो ये गाइस फाइल्स होती है, ये आपकी कुछ काम की फाइल नहीं है, ये आपके इमुलेटर की कुछ फाइल नहीं है, ये आपके कंप्यूटर की कुछ फाइल नहीं है, ये बेकार फाइल होती है, ठीक है। ये रन करने में जो एंटीवायरस में जो आपके ब्राउज़र में जो भी एडवर्टाइज वगैरह आती है जो शो होती है तो उसके फाइल ये मिसिंग फाइल यहाँ पर आपके आ जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कंट्रोल A+ करके इफ सारी फाइल को कॉपी कर मतलब इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद नो दिस ऐप और स्किप, ठीक है, जितनी फाइल डिलीट हो सकती है उतनी कर लीजिए गाइस। यहाँ पर देखिए बहुत सारी फाइल डिलीट हो चुकी है, मैं और डिलीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिर से एक बार कर लेता हूँ, 2 बार डिलीट कर दिया, फिर भी ये फाइल बची है तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसको आपको क्लोज कर देना, ठीक है। ये गाइस यहाँ पर ये फाइल है ना बहुत सारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम देती है, ये कुछ काम की फाइल नहीं, इसको आराम से डिलीट कर दो गाइस, नहीं तो आप समझेंगे भाई हमारी पर्सनल फाइल होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एडवर्टाइज होती है, एड्स होती है क्रोम ब्राउज़र में, आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट में जाते हो या फिर कोई भी क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसकी फाइल यहाँ पर आ जाती है, तो उसको सबसे पहले आपको डिलीट कर देना, सिंपल है गाइस। यहाँ पर सेकंड, फिर आपको वापस रन पे क्लिक करना, रन पे जाने के बाद यहाँ पर जो आपको परफेक्ट आता है, यहाँ पर देखिए परफेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे सर्च किया वैसे आपको सर्च करना है, अदरवाइज़ फिर ये फाइल आपकी ओपन नहीं होंगी। एक बार वीडियो को डिटेल में देख लोगा इसने तो फिर आप जल्दी करोगे तो भाई इसमें प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू पर जाने के बाद ये भी फाइल कुछ काम की नहीं है, इसको भी आपको सेलेक्ट ए पे करके डिलीट पे करके, ठीक है, और यहाँ पर स्किप कर देना है। इसमें की भी आपको सारी फाइल्स डिलीट करनी है क्योंकि ये भी सेम वैसे ही फाइल है जैसे मैंने आपको बताया, ये दूसरा हो चुका है। तीसरा गाइस यहाँ पर आपको फिर से रन पे जाना है, रन पे जाने के बाद आपको पहले यहाँ पर देख लेना है टैंप, पहले हमने टैंप अलग वाला लिया था, अभी हमको टैंप लेना है
कैपिटल लेटर में आपको टेम्प लिखना है सिंपल तरीके से, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फाइल आएंगी, इसको भी सेलेक्ट ऑल पे करके डिलीट कर देना है सिंपल। जो डिलीट होगा ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे दो फाइल डिलीट हो गई, एक ही बची है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारे गाइस हो चुके तीन चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली है, जिसकी मदद से जो है आप एक बार इमुलेटर, ये थ्री स्टेप आप कर लिए, फिर इमुलेटर स्टार्ट करो और फिर जो है GTA 5 इंस्टॉल करो, ठीक है। फिर भी आपका GTA 5 में कोई प्रॉब्लम दे रहा है, कोई एरर फेस हो रहा है, फिर आपको क्या करना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर करना है गाइस, मेरे पास आपको टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो जाना है। टेलीग्राम पर गाइस ये फाइल मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये फाइल होती है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये DLL फाइल आपको यूज़ करना है, ये देख सकते हो यहाँ पर सिंपल है, ये DLL फाइल है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कहाँ गई, हाँ ये रहे, ये DLL फाइल है गाइस, ठीक है। ये DLL फाइल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, सारी प्रॉब्लम का हल ये DLL फाइल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे भाई इसको पेस्ट कॉपी करना है, ठीक है, ये DLL फाइल आप हमको दे दोगे लेकिन इसको पेस्ट क्या करना है, यूज़ क्या करना है, तो सिंपल है गाइस, इसको जो है आप क्या करना है, जैसा कि गाइस मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा गेम लूप इम्यूलेटर है, तो आपका जो है GTA 5 के ऊपर राइट क्लिक कर देना, ओपन फाइल लोकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, फाइल पे लोकेशन पे क्लिक कर देना, इस फाइल को यहाँ से उठाकर यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कॉपी मेरा ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, हो गया, ये हमारा फाइल यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको रिस्टार्ट करना है आपके इमुलेटर को, आपके PC को, फिर आपको GTA 5 इंस्टॉल करना है, फिर आपका 101% गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका जो है GTA 5 चलने लगेगा, सिंपल है गाइस। आप कहोगे भाई वो DLL फाइल हमारे को कहाँ मिलेंगी, ठीक है, बस सिंपल है गाइस, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और इसका स्क्रीनशॉट मेरे को टेलीग्राम पर DM करना है, वहीं पर ही मैं आपको ये DLL फाइल दूंगा जो कि भाई हमने बनाई है ओनली क्रैक वर्जन, जो कि भाई GTA 5 का क्रैक वर्जन यूज़ करना चाहते उनके लिए, तो भाई आ जाओ मैं आपको वहीं पर टेलीग्राम पे दे दूंगा, बट उसके लिए शर्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को टेलीग्राम पे DM कर देना। यार वीडियो कैसा लगा यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, बस यार अचीवमेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।